हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे पेंसिल ग्रास्प एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर आपका बच्चा पेंसिल पकड़ना नहीं चाहता है या फिर पेंसिल को प्रॉपरली होल्डिंग करता है, जिसे हम कहते हैं कि ट्राईपोड ग्रिप के साथ पकड़ना, पिंसर ग्रिप भी हम इसे कहते हैं कि हम थ्री फिंगर्स को यूज़ करते हैं पेंसिल को पकड़ने के लिए, लेकिन वो एक काम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिन बच्चों को सेंसरी डिफ़िकल्टीज होती हैं, कुछ ऐसे उनके इश्यूज़ हैं या फिर उनके कोर मसल्स वीक होने की वजह से भी कई बार बच्चे पेंसिल नहीं पकड़ना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपका बच्चा पेंसिल बिल्कुल ही पकड़ता है या फिर अगर वो पेंसिल पकड़ता भी है तो उसे प्रॉपरली नहीं पकड़ता है। पिंसर ग्रिप का मतलब होता है कि इस तरह से पेंसिल को पकड़ना, जैसे आप देख रहे हैं कि ये ट्राईपोड ग्रिप है जिसमें कि दो फिंगर्स मेरी जिससे पेंसिल होल्ड किया और थर्ड जो फिंगर है वो नीचे वो सपोर्ट के लिए होती है। तो इस तरह से ये एक वेब स्पेस, ये बीच में एक ऐसा वेब स्पेस बनना, जैसे कि फिंगर मेरी मुड़ी हुई है, इंडेक्स फिंगर, इस तरह से कुछ पोस्चर होता है जिसे हम पिंसर ग्रिप कहते हैं। कुछ बच्चों को यह ग्रिप बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे में बच्चों की हैंडराइटिंग अनटाइडी रहती है, बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं और कुछ ही देर में वो लिखकर थक जाते हैं क्योंकि उनकी ग्रिप सही नहीं है, उनका पोस्चर सही नहीं है। तो हमें सबसे पहले काम करना होता है बच्चे के पोस्चर पर, क्योंकि अगर आपका बच्चे की सिटिंग सही नहीं है, कोर स्ट्रेंथ उसकी वीक है और उसकी शोल्डर स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए हमें किसी चीज़ को होल्ड करना और उस पर लिखना जो है उसके लिए हमें शोल्डर स्टेबिलिटी की, अच्छे पोस्चर की ज़रूरत होती है। लेकिन जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं, स्पेशली ASD बच्चों की बात करूँ या फिर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स जिन बच्चों को होते हैं, या ADHD बच्चे भी लिखना नहीं चाहते हैं, उनके कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जैसे कि कंसंट्रेशन का कम होना या फिर सेंसरी इश्यूज़ का होना या फिर कुछ फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ का होना, इन सब की वजह से बच्चे अक्सर लिखना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर पेंसिल पकड़ते भी हैं तो वो उसे एक सही तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं और जल्दी थक जाते हैं या उनकी हैंडराइटिंग अनटाइडी रहती है। आज मैं आपके साथ जो एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ वो आपको हेल्प करेंगी बच्चों में एक प्रॉपर ग्रिप बनाने में, कि पेंसिल को किस तरह से होल्ड किया जाता है, उसे एक अच्छी सिटिंग देने में और उसे सही से लिखने में, ताकि बच्चों की हैंडराइटिंग को सुधारा जा सके और बच्चों के लिए लिखना इतना मुश्किल काम ना रहे। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो मेन चीज़ हमारी होती है वो होती है कोर स्ट्रेंथ। हम अक्सर फाइन मोटर में पड़ जाते हैं कि फाइन मोटर बच्चे की वीक है, उसे चीज़ें करवाना। फाइन मोटर भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी फैक्टर होता है बच्चे की कोर स्ट्रेंथ। आपके बच्चे की कोर स्ट्रेंथ कितनी, स्टेबिलिटी कितनी है उसके शोल्डर में। अगर बच्चा लिख रहा है तो बार बार वो हिल नहीं रहा है, क्योंकि जो बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते लिखते वक्त, वो अक्सर बहाने बनाते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं या फिर वो लगातार हिलते डुलते रहते हैं, और ऐसे में हैंडराइटिंग उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे में हम बच्चों को किस तरह से फोकस रहकर हैंडराइटिंग्स किस पर उनके काम करें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है उनकी पहले स्टेबिलिटी और उनके पोस्चर पर काम करना, कि बच्चा आपका कंफर्टेबल है, जब वो बैठा है उसके फीट ग्राउंड पर है, उसका पोस्चर सही है, सही सीटिंग है और उसकी शोल्डर जो है वो बिल्कुल सही से चल रहे हैं। ये एक चीज़, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि बच्चे का शोल्डर भी हिल रहा है। जब बच्चे का शोल्डर हिल रहा है इसका मतलब है कि बच्चे की स्टेबिलिटी अच्छी है। लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल थोड़ा सा लिखते हैं, लूज़ लिखते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल पेंसिल की ग्रिप को बिल्कुल लूज़ पकड़ते हैं, उनकी पेंसिल होल्डिंग बिल्कुल लूज़ होती है, उस वजह से भी शोल्डर पे यहाँ पर पता लगता है हमें बच्चे को लिखते वक्त कि बच्चे को कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है। तो एक इस चीज़ से आप गेस कर सकते हैं आपके बच्चे को शोल्डर स्टेबिलिटी को लेकर कोई इशू तो नहीं है। कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, हाथ उनका ऊपर रहता है, आपको हाथ उसका नीचे सपोर्ट के लिए चाहिए जब बच्चा आपका स्पेशली लिख रहा है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो हम उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज बच्चों को करवा सकते हैं, जैसे कि क्रॉलिंग करवाना, क्रॉलिंग या कोर स्ट्रेंथ की एक्टिविटीज़, व्हील बैरो वॉकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर हम बच्चों को बियर वॉक करवा सकते हैं। ये तीनों एक्सरसाइजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए। कोर मसल्स का वीक होना जो है वो बच्चों में हैंडराइटिंग इश्यूज़ की वजह बन सकता है, इसीलिए स्टार्टिंग से ही हमें इस पर काम करना ज़रूरी है। अब एक तो नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूँगी। मान लीजिए आपका बच्चा सही से बैठता है, पोस्चर से देता है। अगर आपका बच्चा सही से नहीं भी बैठता है तब भी हम साथ के साथ इन चीज़ों पर काम ज़रूर करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे को सिर्फ स्टेबिलिटी का इश्यूज़ ना हो और भी कई इश्यूज़ हों, तो हम सभी इश्यूज़ पर बच्चे के काम करेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी, कहाँ पर, किस जगह पर उसे डिफ़िकल्टी आ रही है, उस डिफ़िकल्टी को कम करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ होती है बच्चे, जिन बच्चों को, कुछ बच्चों को टैक्टाइल इश्यूज़ होते हैं, पेंसिल इसलिए पकड़ना नहीं चाहते कि कुछ एक स्पेसिफिक टूल तो वो पकड़ लेते हैं लेकिन पेंसिल होल्डिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेंसिल बहुत ही बारीक होती है, बहुत पतली होती है और उसे पकड़ना उसके लिए एक प्रॉपर
पेंसिल ग्रिप बनाना और उसे पकड़ने के लिए अच्छे फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ बच्चों को टैक्टाइल इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चे पेंसिल पकड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो बच्चे छोटे छोटे चौक या छोटे छोटे अगर हम उन्हें क्रियॉन देते हैं स्क्रिबल करने के लिए, बहुत ही यूज़फुल रहता है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को पेंसिल ग्रिप में प्रॉब्लम है। बच्चे जितनी छोटी चीज़ होगी, क्रियॉन हम अक्सर बड़े लेते हैं, क्रियॉन मेक श्योर कि आप छोटा लीजिए, जितना छोटा क्रियॉन होगा या चौक होगा उतना अच्छे से बच्चा उस चीज़ को उसकी ग्रिप उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी उस चीज़ को लेकर, क्योंकि जो बच्चे लूज़ पकड़ते हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए छोटे छोटे क्रेयॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। कर सकते हैं जैसे ये देखिए इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से पकड़ते हैं, तो आप अगर छोटा क्रेयॉन लीजिए देखते हैं राइटिंग टूल जो छोटा होगा तो उससे बच्चे जो है उसे प्रॉपर पकड़ पाते हैं और पेंसिल ग्रिप के साथ पकड़ते हैं उसे। अब मैं कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों को टेक्टाइल इश्यूज होते हैं कुछ बच्चों को, तो उनके लिए हम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, उन्हें टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे सकते हैं इंटरेस्टिंग वेज में, ताकि बच्चों की सेंसिटिविटी को कम किया जा सके और बच्चे पेंसिल को होल्ड करना सीख पाएँ। अब ये जो टेक्टाइल सेंसिटिविटी है उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए हम सैंड को या फिर नमक को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले साल्ट को यूज़ किया जा सकता है। ट्रे बनाइए, उस पर उसे स्प्रेड कीजिए और बच्चे को लिखने के लिए बोलिए। कोई भी एक पैटर्न दे दिया आपने, बच्चे को बोलिए कि ये सीधी लाइन लगानी है, या हमें स्टार्टिंग में फॉर्मेशन में नहीं पढ़ना। मैंने देखा है कि पेरेंट्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि हम स्टार्टिंग में ही लेटर फॉर्मेशन या नंबर बनवाना बच्चे से शुरू करते हैं। ये चीज़ें बच्चों के लिए मुश्किल हो सकती हैं स्टार्टिंग में, तो हमें स्टार्टिंग करनी है बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ में। बच्चों को पहले स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइन्स देकर हम बच्चों की हैंड राइटिंग स्किल्स की शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि कुछ बच्चे जिन बच्चों को टेक्टाइल सेंसिटिविटी होती है उनके लिए हम फिंगर पेंटिंग करवा सकते हैं। इससे आप बच्चे की फिंगर आइसोलेशन पर काम कर रहे हैं, या थंब पेंटिंग करवाई जा सकती है। बच्चों को ईयरबड दिया जा सकता है, ईयरबड से या बच्चे को पेंट करवाइए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। या फिर बच्चों को सिंपली नंबर्स के ऊपर या लाइन्स के ऊपर ट्रेस करना है, आप ईयरबड के साथ करवाइए। या फिर टूथपिक को क्ले के अंदर, क्ले को आप लीजिए और क्ले को उसमें टूथपिक को बच्चे को बोलिए इंसर्ट करने के लिए, बहुत यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं। साइज़ है कि पेंसिल आपने लेनी है और इस तरह से क्ले का बॉल बनाना, और बच्चे को इस तरह से आप उसे पोक करने के लिए बोल सकते हैं पेंसिल को इस तरह से। जितना बच्चा उस चीज़ को करता जाएगा उतना ही बच्चे की पेंसिल ग्रिप उसको, जो बच्चे स्पेशली प्रेशर नहीं डालते हैं पेपर पर उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी है, और बच्चों की इससे पेंसिल ग्रिप भी बनती है उन्हें। ये एक्टिविटीज़ ना सिर्फ बच्चों की टैक्टाइल सेंसिटिविटी को कम करती हैं बल्कि उनमें प्रॉपर ग्रिप को बनाने में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि जितनी हम चीज़ थिन ले रहे हैं, चाहे वो टूथपिक ले रहे हैं या ईयरबड ले रहे हैं, वो पेंसिल से कंपैरेटिवली थिन है, तो अगर हम उस चीज़ को पकड़ने की आदत बच्चे को डाल रहे हैं तो बच्चे के लिए पेंसिल होल्डिंग इतना मुश्किल नहीं होने वाला। जिन बच्चों को हैंडराइटिंग को लेकर इश्यूज़ होते हैं अक्सर उन बच्चों को फाइन मोटर को लेकर भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो ऐसे में हम बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स पर काम कर सकते हैं, उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जैसे कि क्ले को सिंपली स्क्वीज़ करना है, उसे पुश करना है, पुल करना है, स्पेशली पिंच करना है। हम फाइन मोटर जो एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा रहे हैं मेक श्योर कि वो पेंसिल ग्रिप के ऊपर बेस्ड हों, कि बच्चा वो एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे की इन तीन फिंगर्स को बच्चा ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जैसे कि सिंपली कॉइन को डालना या फिर लेसिंग करवाना बच्चे को, एक हाथ से वो बीट पकड़ है इन फिंगर्स को यूज़ कर रहा है, ये फॉग पेंटिंग करवाना बच्चों को या ब्रश से पेंटिंग करवाना, ये सब चीज़ें भी बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती हैं। या फिर बच्चों को अगर आपका बच्चा स्क्वीज कर लेता है, मेक श्योर कि आपका बच्चा तीन फिंगर्स को यूज़ करे उसे स्क्वीज़ करने के लिए, अगर हम उसे पेस्टिंग की एक्टिविटी करवा रहे हैं या फिर सिंपली हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि किस तरह से उसे बॉटल को स्क्वीज़ करना है, तो हम बच्चे को इस तरह से सिखाएंगे, आपका बच्चा इस तरह से होल्ड ना करे बल्कि इस तरह से उसे होल्ड करे, इन तीन फिंगर्स के साथ में बच्चा उसे स्क्वीज़ करे। इससे जब बच्चा करता है तो इससे बच्चों की इन फिंगर्स में स्ट्रेंथ आती है जो कि बच्चे को आगे चलकर लिखने में हेल्प करती हैं। मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ वो है फिंगर एक्सरसाइजेस। वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो बच्चों में पेंसिल ग्रिप को इम्प्रूव कर सकती हैं, उनमें ट्राइपॉड ग्रिप को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज होती है, क्योंकि कुछ बच्चों को जो बच्चे लिखते हैं मूवमेंट उनकी जो है फॉर्मेशन के लिए, अगर हम कोई लेटर फॉर्मेशन बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए फिंगर्स की मूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिन बच्चों के फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो बच्चे अक्सर फिंगर्स को कम मूव करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम मूवमेंट की एक्टिविटीज़ उन्हें इमिटेशन में भी करवाते हैं तो बच्चे उस हिसाब से अपनी फिंगर्स को नहीं हिला पाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है उनकी फिंगर मूवमेंट पर काम करना, ताकि बच्चे की स्पेशली इन तीन फिंगर्स पर हम काम करेंगे। फिंगर मूवमेंट के लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी, उसमें ये तीन फिंगर्स को मैं यूज़ करूँगी। इस तरह से आपने फिंगर्स को मूव करना है आगे पीछे,
मुझे पता है बच्चों को इस चीज़ में मुश्किल होगी, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर सिखाइए बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि उनकी हैंड्स की मसल्स जो हैं वो सही से लिखते वक्त मूव करें और उनमें वो स्ट्रेंथ आए जो ज़रूरी है लिखने के लिए। जितना वो स्ट्रेच करेगा फिंगर को और जितना वो मूव करेगा, उससे बच्चों में फिंगर डेक्सटेरिटी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। उसके साथ ही बच्चों में स्ट्रेंथ आती है फिंगर्स में, जो कि उन्हें लिखने में हेल्प करती है। दूसरी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपके बच्चे को इस तरह से ऐसे करना है, फिंगर को इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करना, जिसे हम कहते हैं, या फिर फिंगर पुशअप। ये सब चीज़ें भी बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो करवानी है आपको ऐसे कि बच्चे को इस तरह से तीनों फिंगर्स को ऐसे ज़ोर से प्रेस करना है, इस तरह से। अगर आप इस तरह से डेली बच्चे को करवाती हैं लिखने से पहले स्पेशली, तो बच्चे बहुत अच्छी ग्रिप लेते हैं, और इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा आप क्ले भी ले सकते हैं, बच्चे को क्ले दे दीजिए या छोटी सी बॉल दीजिए, क्ले की बॉल बनाकर, या फिर सिंपली कोई बॉल दे दीजिए और बच्चे को उसे प्रेस करने के लिए बोलिए। ये एक बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है बच्चों की पेंसिल ग्रिप पर वर्क करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चों को, जो बच्चे ग्रिप नहीं बनाते हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसे टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो पूरे हाथ से ही पकड़ते हैं। उनके लिए सॉक के साथ में, या फिर खाली आप क्ले की बॉल, या फिर अलग अलग तरह के ग्रिपर्स को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा रहती हैं जिसकी वजह से वो पेंसिल को होल्ड करना नहीं चाहते हैं। तो आप स्टार्टिंग में उन्हें मार्कर दे सकते हैं, या फिर बच्चों को ग्रिपर दिए जा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को स्टार्टिंग में लिखने में हेल्प मिलती है। पेंसिल का काम करवाना, तो कुछ इस तरह की बॉल हम क्ले बॉल बना सकते हैं और बच्चे को लिखने के लिए बोल सकते हैं। ये बहुत कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है इसे होल्ड करना और इसके साथ काम करना, बच्चे इसे एंजॉय करेंगे। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद धीरे धीरे आप उसका यूज़ छोड़ देंगे। एक बच्चे की आदत ना बनने दें लगातार उसको यूज़ करने से, भी कई बार बच्चे उस चीज़ के यूज़ टू हो जाते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में हम स्टार्टिंग में उसे ग्रिपर दे सकते हैं, जो कि एक अच्छा काम करता है बच्चों को हैंड राइटिंग की तरफ पुश करने में, और बच्चे लिखना शुरू कर देते। एक तीसरा फैक्टर बच्चों को लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो फैक्टर होता है बच्चों में विजुअल स्किल्स का होना, विजुअल अवेयरनेस होना। क्योंकि बच्चे अक्सर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं कम स्पेस या कहीं ज़्यादा स्पेस, या फिर साइज़ को छोटा या बड़ा करना, लेटर्स के साइज़ को, फॉर्मेशन उनका प्रॉपर नहीं रहता है, जिसकी वजह से हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब रहती है। ऐसे में ज़रूरत होती है बच्चों की हम इन स्किल्स पर काम करने के लिए। इसके रिगार्डिंग बहुत सी मैं वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे आप बच्चों के हैंडराइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें मेजेस होती हैं, अलग अलग तरह की ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ मैं देती हूँ, जिससे आप बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को और उनकी पेंसिल होल्डिंग और स्पेशली उनके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बच्चों को स्पेशल की जानकारी होना कि कहाँ पर मुझे करना है स्पेशल एक्सरसाइजेस बच्चों को करवाना, बच्चों को आप करवा सकते हैं। आप उन्हें लिख सकते हैं कि वन लाइन लगाओ सेकंड में, तो बच्चे को कॉपी करके आपको लगाना है। इसी तरह से टू लाइंस यहाँ पर लगाएंगे। ये एक्सरसाइज जो बच्चे आपके लाइन लगा लेते हैं, और जो बच्चे अभी लिखना नहीं स्टार्ट किया है जिन्होंने, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। विजुअल स्पेशल अवेयरनेस भी होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि किस जगह को कहाँ पर, किस लेटर को उन्हें कहाँ पर रखना है। या फिर बच्चों को विजुअल मोटर एक्सरसाइजेस करवाना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ बच्चों को देना। बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं कि आप डॉट देंगे, बच्चे को सर्कल करने के लिए बोलेंगे। ये एक्टिविटी मेरी बेसिकली है पेंसिल कंट्रोल के ऊपर बेस्ड, कि मैं सिंपल बच्चे को ऐसे आप डॉट दे सकते हैं। रोज़ एक आप पेज बच्चे को ज़रूर करवाइए इसका, कि आपने दे दिया है बच्चे को उसके ऊपर ऊपर सर्कल करना है इस तरह से। मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चे इस तरह से भी करेंगे, कुछ इस तरह से भी करेंगे। हर एक बच्चा डिफरेंट वे में करेगा, और कई बार तो कुछ बिल्कुल भी अवेयरनेस उनमें नहीं होती है, तो इस तरह से भी करेंगे। तो मेक श्योर कि आपका बच्चा धीरे धीरे उसमें ये चीज़ आएगी, कि आप एकदम से नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका बच्चा बिल्कुल उस चीज़ को जो आप चाहते हैं उसी चीज़ को ही वो सर्कल करेगा, और अप्रोप्रिएट वेज में करेगा। इसी तरह से आप उसे बोल सकते हैं इसके ऊपर एक और सर्कल लगाने के लिए। जितना आप चीज़ को एक्सपेंड करते जाते हैं, उतना ही बच्चे में विजुअल जो अवेयरनेस है, विजुअल इंटीग्रेशन है, वो डेवलप होता है, और बच्चे सही से, ये पेंसिल कंट्रोल की एक्टिविटी है कि बच्चे को एक लाइन से दूसरी लाइन से कितना डिस्टेंस रखना है। इसके अलावा ड्राइंग करना, कलरिंग करना, या फिर ब्रश पेंटिंग करना, अलग अलग टूल्स को यूज़ कीजिए। जितना आप बच्चे को वेरिएशन देते जाते हैं, बच्चों में उतना ही ज़्यादा उनकी सेंसिटिविटी कम होती जाती है, क्योंकि जिन बच्चों को टैक्टाइल सेंसिटिविटी होती है वो पेंसिल ही पकड़ना चाहते हैं। और इन चीज़ों को देखकर जब आप बहुत सी चीज़ें बच्चे को रोज़ नई चीज़ों के साथ काम करवा रहे हैं, तो उससे बच्चों में सेंसिटिविटी, जो टैक्टाइल सेंसिटिविटी है, वो कम होने लगती है।
और उन्हें पेंसिल को पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। इन सब के अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पेशली कहना चाहूँगी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब एक्टिविटीज़ बच्चे को करवाइए, ज़रूर करवाइए, लेकिन साथ में आपको एक चीज़ और करवानी है, वो है कि उनकी ग्रिप पर रोज़ एक काम करना कि उन्हें हैंड टू हैंड प्रॉम्प्ट देकर एक पेज उन्हें ज़रूर लिखवाइए। चाहे आप डॉट ज्वाइन करवा रहे हैं, ट्रेसिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, लेकिन पेंसिल को सही से होल्ड करके और उसे पकड़ के यहाँ से कि उन्हें इन तीन फिंगर्स को यूज़ करना है, आप हैंड टू हैंड प्रॉम्प्ट के साथ उन्हें ज़रूर सिखाइए। लेकिन हैंड टू हैंड प्रॉम्प्ट हम कुछ देर के लिए देंगे, कुछ दिनों के लिए देंगे, और धीरे धीरे हम उसे फेड करते जाएंगे। हैंड को यहाँ ले आइए, यहाँ से यहाँ लेकर आइए, फिर धीरे धीरे एल्बो पर, और फिर धीरे धीरे शोल्डर, और उसे हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे ताकि आपका बच्चा यूज टू ना हो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुछ बच्चों को हम लगातार जब हैंड प्रॉम्प्ट देते हैं बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं, धीरे धीरे हम उस चीज़ को फेड करते जाएंगे ताकि हमारा बच्चा अपने आप से लिखना शुरू करे। तो ये एक्सरसाइजेस जो एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी बच्चों के हैंड राइटिंग स्किल्स पर घर पर ही काम करने में।